इसके साथ इसकी CSS फाइल एड अभी तक नहीं हुई, ये मेरे टेम्पलेट की वेबसाइट आ गई। इसको हमने सेल, और डोमेन नेम कौन सा आ रहा है, सेल डॉट एक्सपर्ट ग्रुप डॉट पीके का। ओके जी, और यहाँ पर टूम्पलेट स्टाइल, ये फाइल इसमें ऐड नहीं हो रही। सही है जी, इस तरह से हम सब डोमेन बनाते हैं, और सब डोमेन आपको पता होता है कि आते हैं आपके अपने डोमेन नेम के साथ। यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि सेल डॉट एक्सपर्ट ग्रुप डॉट कॉम के नाम से मैंने ऐड कर दिया, और इसको ये नो रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ हुआ, अगर इसको कोई भी ओपन करेगा तो इसको हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड मैनेज रीडायरेक्शन पर आएंगे, मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट ग्रुप पर आप इसको रीडायरेक्ट कर दो। डॉट पी के सेव, गो बैक, जो सेल डोमेन है वो रिडायरेक्ट हो जाए एक्सपर्ट ग्रुप डॉट पीके पर। देखा जी किस तरह से ये रिडायरेक्ट हो गया एक्सपर्ट ग्रुप डॉट पीके पर। ये साइट मेरी आ गई, अब इसको मैंने कहा कि रिडायरेक्ट हो जाओ, और ये फीचर जो था डिसेबल हुआ हुआ था, इसको मैं CGI फॉर्म फॉर माय CGI कॉन्टेक्ट फॉर्म कहता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म फॉर माय एक्सपर्ट ग्रुप डॉट पी के। सर प्लीज जनरेट CGI कॉन्टेक्ट फॉर्म फॉर माई एक्सपर्ट ग्रुप डॉट पी के। फिर ये इन HTML फॉर्मेट, सर प्लीज जनरेट CGI कॉन्टेक्ट फॉर्म फॉर माई एक्सपर्ट ग्रुप पी के इन HTML फॉर्मेट फ्रॉम सी पेनल। सी पेनल फॉर्मेट एक्सपर्ट ग्रुप डॉट पी के, सही है, सेंड कर देंगे। ये जो CGI ईमेल और यहाँ पर टिकट में लिख देना था CGI ईमेल है, तो इंट्रोपी सर्च आपकी वेबसाइट पर सर्च करना हो तो फिर किस तरह से करेंगे, एक सर्च फॉर्म फॉर्मेट जनरेट करेंगे, ये फॉर्म है, एक्सपर्ट ग्रुप के लिए ये सर्च करेगा CGI फॉर्म, कॉपी, और इसको भी हम ऐड कर देंगे अपने होस्टिंग प्लान के अंदर इस तरह से। इंडेक्स फाइल को फिर से ओपन करेंगे, उसके अंदर सर्च फॉर्म ऐड करेंगे। सर्च फॉर्म ऐड करने के लिए फाइल मैनेजर में जाएंगे, गो